जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महात्मा जी इंग्लिश सॉल्यूशन पर। ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SSC MTS और CHSL का सिलेबस। टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, PDF में नोट बना दिया है। टॉपिक वाइज सिलेबस हम जानते हैं कि क्या है। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं डेली हर टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा और पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर SSC और MTS और CHSL की। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, आप सभी लोग बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रेपोजिशन, ये सब होती है हमारी पार्ट्स ऑफ। टोटल 8 टाइप्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। SSC, MTS और CHSL, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी में SSC हर बार पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। तो सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इसके बाद देखिए स्पॉटिंग एरर्स, हमें एरर्स स्पॉट करने होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिल करने होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं, एरर्स के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। 6 है हमारा स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल वर्ड्स। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपने मिस स्पेल वर्ड्स, जिस स्पेल की स्पेलिंग मिस्टेक, जिन वर्ड्स की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आपने उनको छाटना भी हो सकता है और राइट स्पेलिंग वाला भी डिटेक्ट करना हो सकता है। जिसकी स्पेलिंग राइट होगी आपने उसको भी डिटेक्ट करना हो सकता है। EDM एंड फ्रेजेस, EDM एंड फ्रेजेस मीन्स होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आप सबको भी पता होगा, लेकिन प्रेपरेशन नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये समझ में आएगा। इसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है, जिसको हम कह सकते हैं एक शब्द में मुहावरा टाइप का, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपने उसको ग्रामेटिकल चेक करना होगा कि यह ठीक है या नहीं। कंप्रेहेंशन पैसेज, कंप्रेहेंशन पैसेज मीन्स होता है एक आपको पैसेज दिया जाएगा और उसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उन 5 क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में से सर्च करना होगा,